रेडियो प्लेबैक इंडिया। हाय गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी और आप सुन रहे हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया पर मेरे द्वारा लिखी गई कहानी जिंदगी एक जंग। सभी लोगों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया हुआ था। सभी लोग तैयारी में लगे थे विनर बनने की। आज कॉलेज में ना एक अलग सी चहल पहल थी। सभी के चेहरों पर खुशियाँ थी। मिसेस कावेरी ने फिर से सभी को कॉलेज कैंपस में बुलाया था मीटिंग के लिए। सभी लोग 10 मिनट में कॉलेज कैंपस पहुंच चुके थे। मिसेस कावेरी आज 5 मिनट पहले आ गई थी। शायद वो किसी का इंतज़ार कर रही थी और वो थी हमारी नंदनी। नंदनी भी आ चुकी थी। मिसेस कावेरी नंदनी को देख रही थी। उन्होंने पाया कि नंदनी आज थोड़ी सी नर्वस है, जिसे छुपाने की वो पूरी कोशिश कर रही है। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, कभी कभी ना ऐसा होता है कि आप अपनी नर्वसनेस को छुपाने की कोशिश करते हो या फिर अपने इमोशंस को, तो कभी कभी ना वो छुप नहीं पाते जिससे कि वो लोगों को नज़र आ जाते हैं। ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। होता है ना, हमारी नंदनी के साथ भी हो रहा था। मिसेस कावेरी कुछ देर तक उसे देखती रही और फिर उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग विश किया। सभी स्टूडेंट्स ने भी उन्हें बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग विश किया। फिर मिसेस कावेरी ने कहा, वेल, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि मैंने आप सबको यहाँ क्यों बुलाया है। मैंने आपसे कल वादा किया था कि मैं आपको बताऊँगी कि आखिर वो शख्स कौन होगा जो इस इवेंट को मैनेज करेगा और ज़िम्मेदारी लेगा। तो मुझे लगता है कि अब मुझे आपको बता देना चाहिए बिना टाइम वेस्ट किए, मिसेस कावेरी ने फिर से कहा। तो गाइस, उस शख्स का नाम है। इतना कहकर वो लगभग एक सेकंड तक चुप रहे। सब लोग उनके बोलने का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि सबको ये जानने की इच्छा थी कि आखिर वो शख्स कौन है जिसे इस इवेंट को मैनेज करने की ज़िम्मेदारी मिलेगी। मिसेस कावेरी ने एक सेकंड के बाद कहा, उस शख्स का नाम है नंदनी शर्मा। नंदनी का नाम सुनते ही सब लोग हैरान रह गए और नंदनी खुद इतनी शॉक में थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। अच्छा कभी कभी होता है ना, कोई चीज़ अचानक से हो जाए और आपको समझ में नहीं आता कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। नंदनी को भी नहीं आ रहा था। नंदनी कुछ कहना चाहती थी लेकिन मिसेस कावेरी ने उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, मिसेस कावेरी ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही होंगी ना कि तुम अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करोगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सीनियर्स तुम्हारी मदद करेंगे। क्यों गाइस? सब ने मिसेस कावेरी की हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि मिसेस कावेरी को मना करना मतलब खुद के साथ मुसीबत मोल लेना। वैसे भी ना आज की डेट में कोई किसी की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। और वैसे भी मिसेस कावेरी कॉलेज के प्रिंसिपल थी तो जाहिर सी बात है उन्हें कोई भी मना नहीं कर पाता। सब लोग बहुत खुश थे कि ये जिम्मेदारी नंदनी को मिली थी, खासकर वो लोग जो नंदनी के दोस्त बने थे। उन्हें यकीन था कि नंदनी जो भी करेगी अच्छा ही करेगी, और मिसेस कावेरी को भी था। लेकिन कोई था जो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो थी कॉलेज की सीनियर मोनिका देसाई। एक बात बताऊँ आपको, कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जिनको ना आपकी खुशियों से कोई मतलब नहीं होता। आप जब खुश होते हो तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो मोनिका को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मोनिका नंदनी को घूर के देख रही थी, मानो अभी कच्चा खा जाएगी। फिर वो मिसेस कावेरी से बोली, मैम आपको क्या लगता है, क्या एक विजुअली चैलेंज लड़की इतने बड़े इवेंट को मैनेज कर पाएगी? मिसेस कावेरी को मोनिका की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, ऑफकोर्स मुझे यकीन है कि नंदनी सब कुछ अच्छे से मैनेज करेगी। क्यों नंदनी? नंदनी ने कहा, जी मैम, अगर आपको यकीन है तो मैं आपका यकीन नहीं तोड़ूंगी। ये सुनकर मिसेस कावेरी बहुत खुश हुई, पर मोनिका के होश उड़ गए थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसकी आंखों में एक अलग सा जुनून दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नंदनी युद्ध के लिए तैयार हो। एक अलग सी चमक थी उसकी आंखों में कुछ भी कर गुजरने की। मोनिका को अब इनसिक्योरिटी फील होने लगी थी। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी वो, पर
कुछ कह नहीं पा रही थी। उसको शब्द ही नहीं मिल रहे थे कि वो क्या कहे। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग ज़िद्दी होते हैं, बिना बोले चुप भी नहीं बैठते। हार मानने वालों में से तो थी नहीं वो। उसने फिर से कहा, ये इवेंट है मैडम, कोई खेल नहीं। ये सुनकर नंदिनी को बहुत गुस्सा आया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो मोनिका को दो चार थप्पड़ लगा दे, पर वो ऐसा कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी इमेज ख़राब हो सकती है। नंदिनी ने कहा, ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं इस इवेंट को कैसे मैनेज करती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मिसेस कावेरी समझ गई थी कि अब दोनों के बीच झगड़ा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने कहा, नंदिनी मैं तुम्हें एक और बात बताना भूल गई। हम हर साल अपने इवेंट में एक गेस्ट को इनवाइट करते हैं, तो इस साल हम जिन्हें इनवाइट कर रहे हैं उनका नाम है करण मित्तल। हालांकि उन्हें इनवाइट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें कन्विंस करना पड़ता है, वो किसी भी इवेंट में जल्दी से जाते नहीं हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तुम ये काम कर पाओगी। मैं तुम्हें उनका एड्रेस मेल कर देती हूँ। करण मित्तल का नाम सुनते ही सब लोग एक्साइटेड हो गए, खासकर लड़कियाँ। करण मित्तल मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था, और यूँ कह सकते हैं हम कि पूरे मुंबई उसके इशारे पे नाचती थी। हर लड़की का ड्रीम था करण से मिलना, लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ना कि करण से मिलना इतना आसान नहीं था। भाई बहुत बड़ा इंसान था वो, तो कैसे मिलते लोग उससे। करण की बात सुनते ही नंदिनी को थोड़ा सा डर लगने लगा था, लेकिन उसने अपने डर को छुपाए रखा, किसी से कुछ नहीं कहा। वहीं मोनिका को हंसी आ रही थी। वो हंसते हुए बोली, मैम आपको क्या मजाक लग रहा है, करण मित्तल इसकी बात सुन के आएगा? मुझे नहीं लगता कि वो हमारे इवेंट में आएगा। मुझे तो लगता है कि हमारा इवेंट इस बार, इससे पहले कि मोनिका कुछ और कहती, मिसेस कावेरी ने कहा, अपना मुंह बंद रखो, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती ना तो कुछ बोलो मत। नंदिनी तुम्हें एड्रेस मेल कर दिया है, उम्मीद है कि कल तुम उन्हें जाके इनवाइट करोगी। नंदिनी कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, उसने हाँ में सर हिलाया। कुछ देर तक डिस्कशन चलता रहा और फिर सब लोग अपनी अपनी क्लासेस में चले गए, लेकिन नंदिनी का ध्यान इवेंट में था। अब तो चाहे कुछ भी हो, उसे सब कुछ अच्छे से मैनेज करना ही था, क्योंकि अब बात उसकी इज्जत पे आ गई थी। और कावेरी ने पहले ही कहा था, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। हाँ, अगर तुमने इस इवेंट को अच्छे से मैनेज किया तो तुम जो भी चाहोगी मैं वो करूँगी तुम्हारे लिए। लेकिन नंदिनी परेशान थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इवेंट होगा कैसे मैनेज, और करण मित्तल से वो कैसे मिलेगी। अगले दिन सुबह 9 बजे नंदिनी करण मित्तल के ऑफिस पहुंची। मित्तल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी कंपनी थी। नंदिनी वेटिंग रूम में बैठी करण के मिलने का वेट कर रही थी। नंदिनी को वेट करते करते 3 घंटे से भी ज़्यादा हो गए थे। शायद करण एक मीटिंग में बिजी था, शायद उसे पता भी नहीं था कि कोई उससे मिलने आया है। करण की एक बात बताऊं आपको, करण में एक बात थी, बात ये थी कि जब भी उसे कोई मिलने आता था ना तो वो बिज़ी हो जाता था। उसे तो पता ही नहीं रहता था कि कोई उससे मिलने भी आया है, अपने काम में खुद को बहुत बिज़ी कर लेता था वो। और एक और ख़ासियत थी उसकी, वो ये थी कि जो भी उससे मिलने आता था उसके बारे में उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती थी। शायद वो नंदिनी के बारे में भी जानता था, और ये भी कि नंदिनी कितनी ज़िद्दी है। आज तो नंदिनी को करण से मिलने का मौका नहीं मिला। वो सोच रही थी, ओह गॉड कैसे लोग हैं ना, दूसरों के टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। नंदिनी को अब टेंशन होने लगी थी, वो परेशान हो गई थी, उसका सर भी घूम रहा था। अच्छा होता है ना, कभी कभी जब आपको कोई काम दिया गया हो और वो पूरा नहीं हो पाए तो टेंशन होती है, हमें समझ ही नहीं आता कि हमको क्या करना चाहिए। नंदिनी को भी नहीं आ रहा था। उसने नताशा को भी फ़ोन किया था, पर उसके पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं था इस बार, क्योंकि वाकई ये लड़ाई नंदिनी को खुद अकेले ही लड़नी थी। नंदिनी 3 दिन तक स्ट्रगल करती रही करण से मिलने के लिए,
पर करण मजा ले के मिल लेता। चौथे दिन जब नंदिनी जाने वाली थी तो करण की नज़र उस पर पड़ी। करण शायद अपनी मीटिंग ख़त्म करके घर जा रहा था। नंदिनी उदास सी गुमसुम सी बस चले जा रही थी करण को पता नहीं क्या सोचा, उसने कहा, एक्सक्यूज मी। नंदिनी ने कहा, जी तुम मुझसे मिलने आई हो? शायद वो नंदिनी को पहले ही जानता था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंदिनी के बारे में वो सब कुछ जानता था। नंदिनी को थोड़ी सी हैरानी हुई। नंदिनी ने उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो उसे लगा शायद ये करण है। उसने कहा, आप करण सर हैं? यस सर, मैं 3 दिन से आपसे मिलने के लिए वेट कर रही हूँ और आप है कि मिलने को रेडी नहीं है। नंदिनी अपनी भड़ास निकाल रही थी। करण का असिस्टेंट डर रहा था कि कहीं नंदिनी को करण कुछ कहना दे। वो सोच रहा था, हो गॉड, ये तो गई काम से, क्योंकि करण को कोई भी उस पर एटीट्यूड दिखाना ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं था और किसी का गुस्सा तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं करता था। पर आज ये पहली बार हो रहा था जब वो खड़े होके चुपचाप नंदिनी की बात सुन रहा था। नंदिनी ने आगे कहा, सर हर किसी का टाइम इम्पॉर्टेंट होता है, क्या हमारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं? माना कि आप बड़े इंसान हैं पर मुझे नहीं लगता आपको ऐसे करना चाहिए। सॉरी सर, मैं कितना कुछ कह गई आपको, पर सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ हमारी इवेंट में आइए, मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। करण कहना चाहता था कि अगर मैं ना कहूँ तो क्या करोगे तुम, पर उसने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप सुन रहा था। नंदिनी ने कहा, सर मैंने आपसे कुछ पूछा, प्लीज़ आज मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। करण ने कहा, अगर मैं ना कहूँ तो? नंदिनी ने कहा, सर तो फिर मैं एक बार फिर से कोशिश करूँगी आपको कन्विंस करने की, क्योंकि हारना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे सर मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करती, पर आपसे कर रही हूँ, ये मेरी इज्जत का सवाल है और मेरे कॉलेज की भी। ये सच था कि नंदिनी कभी किसी के आगे झुकती नहीं थी, आज पहली बार वो किसी के आगे झुकी थी। करण को उसकी आंखों में कुछ नमी सी दिख रही थी, शायद नंदिनी की आंखें छलकने को थी। उसका दिल कर रहा था कि वो कह दे कि सॉरी मैं नहीं आ सकता, हालांकि वो आने को पहली बार में ही तैयार हो जाता और हो भी चुका था, लेकिन वो देखना चाहता था कि नंदिनी क्या सच में रोज़ आती है यहाँ पे, क्या वो स्ट्रगल कर पाएगी मुझसे मिलने के लिए। पर उसने देख लिया था, उसका यकीन, शायद नंदिनी को खुद पर यकीन था। करण ने कहा, नंदिनी वैसे तो मैं किसी भी इवेंट में जाता नहीं हूँ, पर तुम कह रही हो तो मैं ज़रूर आऊँगा, आई प्रॉमिस। ये सुनकर नंदिनी इतनी खुश हुई कि वो वहीं पे उछलने लगी। करण को उसे खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। करण ने नंदिनी को हाँ तो कर दी और नंदिनी खुश भी थी, लेकिन उधर कोई था जो नंदिनी का प्लान ख़राब करने वाला था और वो थी मोनिका। अब आगे नंदिनी इस इवेंट को कैसे मैनेज करेगी ये प्रश्न अभी बाकी है। मैं फिर सुनाऊंगी कभी आपको ये कहानी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। उम्मीद है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, कहानी में सस्पेंस होना ज़रूरी है ना, कभी फिर मौका मिलेगा तो बताऊंगी नंदिनी ने इस इवेंट को कैसे मैनेज किया और उसने एग्ज़ाम को पास किया या फिर नहीं। इन सवालों के जवाब छोड़े जा रही हूँ इस कहानी में।